तुमने मुझे ही क्यों कॉल की? यही जहन में आया कि तुम्हें कॉल करूं। जहन में आने वाले लोग अक्सर कहीं और जगहों पर भी होते हैं। समझ में नहीं आया इस बात का मतलब। मतलब तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से। क्या हो गया तन्नो? वो कुड़ी और मुंडा नस के हैं। कौन कुड़ी और मुंडा? आपकी बहन और मेरा भाई। क्या मतलब? देखो अब तुम मत देखना मेरी तरफ मशकूक नजरों से। सॉरी। किस बात का? अम्मी ने तुम पर शक किया। तुमने भी किया था क्या? नहीं। क्या बात है, बड़ी जल्दी ट्रस्ट करना सीख गई हो दुश्मनों के बच्चों पर। क्यों, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुझ पर। बाकी सबके अभी दिल नहीं साफ हुए तुम्हारी तरफ से। मतलब? मतलब ये मैडम कि अभी आप सिर्फ मुझ पर ध्यान दें, पूरी दुनिया को मैं देख लूंगा। पूरी दुनिया का मतलब जानते हो? हाँ, कभी कभी पूरी दुनिया एक ही शख्स में सिमट के आ जाती है आपके साथ। क्या कर रहे हो, मुझे बात तो करने दो। अभी सिर्फ हम बात करेंगे नूर। नूर? हाँ, तो तुम पे बहुत जचता है ना ये नाम। ऐसे तो नहीं ताया बने घर के बाहर लिखवा रखा आशियाना नूर? और इसी आशियाना नूर में तुम अंधेरे करना चाहते थे ना। इन्हीं अंधेरों से फूटी है किरण जिसने हर तरफ उजाला कर दिया। वाह, मोहब्बत ने तो मुझे शायर बना दिया। ध्यान से, ज्यादा उजाले से आंखें खराब भी हो जाती है, इसी थोड़ा फासला रखो। तुमसे फासला रख के अपनी जिंदगी खराब करने से बेहतर है मैं अपनी आंखें ही खराब कर दूं। मानूर, मानूर। जी अब्बा मियां। सुनो, ये तुम्हारी अपनी अम्मा को जरा कूल करवा दो ना जाके। अब्बा मियां मैं कैसे करूं? तुम किस खुशी में ब्लश कर रही हो इतना? नहीं अब्बा मियां, आप बताना आपने मुझे क्यों बुलाया है। एक राज की बात तुम्हें बता रही हूं, पर पेट में मजीद नहीं रख सकता, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है। क्या पता है? यही कि आपको पहले से ही पता था कि कुकु मामू और बिट्टू आपको भागने वाले। तुम्हें कैसे पता? जितना ठंडा रिएक्शन आपने दिया था ना इस न्यूज के ब्रेक होने पर, मैं उसी वक्त समझ गई थी। अपने बेटे की गुर्बत को छुपाने के लिए और उन्हें किसी इम्तिहान में डालने के बजाय आपने अपनी बेटी को ही फरार कर दिया। बेटा दे तो दी रिसेप्शन पूरे खानदान को, दोबारा खर्चा करने की क्या जरूरत है? सच से बताएं बमिया, वो गए क्यों हैं? को सस्ता हनीमून पैकेज मिल गया था। बेड़ा गरक। बमिया आप भी मिले हुए थे? ये सारा कुछ कुकू ने सस्ते हनीमून पैकेज के चक्कर में किया, कख ना रहे उसको, तो मैंने दुबई जाके जूतियां मारनी है। अब आ जाए इसका। अरे जाओ अपनी माँ को पोली पोली टोगी को और पोला करके आओ। मेरा सर पोला कर देंगी अपनी चप्पल से। जाओ तो सही, ये कहाँ से हमारे। अल्लाह रहम करे। जी साहब मेरी भी सुन लें, फिर ना कहना कि गरीबुल्ला की अजान कोई नहीं सुनता। ये सारा चक्कर सस्ते हनीमून पैकेज के चक्कर में चलाया गया है। अरे अभी तनु अब चले गए ना, क्या महंगा क्या सस्ता। मानो बेटा समझाओ अपनी माँ। छोड़े ना अम्मी, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वो किया। अरे पुत्र उनको तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन 70,000 का जो वलीमे के लिए मैंने जोड़ा बनाया था, अब मैं वो कहाँ पहन के फिरूंगी। मानो की शादी पे पहन लें। अच्छा वैसे मेरी बात सुने, मानो की शादी से मुझे याद आया, जो गौहर लड़का है जो मानो के साथ पढ़ता है, ये आपको कैसा लगता है मानो के लिए? एकदम नकली अरबी। अम्मी मुझे भी शादी नहीं करनी। अच्छा अभी नहीं करनी तो कभी तो करनी होगी ना, वैसे भी तेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद आराम से बैठ के जहेज के कपड़े टांगना। आपका बस चले, आप तो मुझे अभी से टांग दो। चाची साहब मैं आपको बता रही हूँ, कुछ सोचे मानो के बारे में, ऐसा ना हो कि कुकू जैसा कोई आवारा लड़का ना हमारी बच्ची का भी दिमाग खराब कर दे। अरे तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी औलाद पे ना पूरा भरोसा है। और देखना यही औलाद धोखा देगी। वो
पूरी दुनिया का मतलब जानते हो? हाँ हाँ, कभी कभी पूरी दुनिया एक ही शख्स में सिमट के आ जाती है आपके सामने। ध्यान से ज्यादा उजाले से आंखें खराब भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा फासला रखो। तुमसे फासला रख के अपनी जिंदगी खराब करने से बेहतर है मैं अपनी आंखें खराब कर दूं। सॉरी, अम्मी ने तुम पर शक किया। तुमने भी किया था क्या? नहीं। हाय मानो, व्हाट्स अप? हाउ डू आई नो आई लव समवन? ये स्टूपिड सवाल पूछने की कोई तुक बनती है? एवरीथिंग फील्स एक्साइटिंग इन मी। हाँ, ऐसे ही तो फील हो रहा है मुझे। अजीब एक कथों वाली फीलिंग आ रही है। यू कांट वेट टू सी देम अगेन इवन व्हेन दे जस्ट लेफ्ट। यस। इधर उधर गवाने में क्या जातियां मार रही है? कुछ भी नहीं। नहीं तो नहीं नहीं तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दे, फोकस कर। इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है जातियां मारने की। ठीक है मम्मी, आप चले मैं आती हूँ। नहीं जी, आप चले मैं आती हूँ। चल वरना मेरी जूती चलेगी। मम्मी क्या लिखूं, क्या पूछूं, कैसे बात करूं इससे? वैसे मैं कॉल भी तो कर सकता हूं। रात के 2 बजे क्या सोचेगी वो? क्या सोचेगा कि जंगली बिल्ली का दिमाग खराब हो गया? 2 बजे उसको क्यों फोन कर रही हूं? मैं क्यों उसकी आवाज सुनना चाहती हूं? क्या बहाना करूं? यूनिवर्सिटी का पूछती हूं। सुबह यूनिवर्सिटी जाने है क्या? अगर तुम जाओगी तो मैं भी चला जाऊंगा। और अगर मैं नहीं गई तो फिर मेरे जाने की कोई लॉजिक नहीं बनती। अच्छा, अब हर चीज लॉजिक पे होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां मोहब्बत आ जाए वहां दुनिया की कोई भी लॉजिक नहीं चल सकती। तो फिर क्या चलता है? हुक्म यार। यानी कि जो उसने कहा दस्तूर हो गया? आजमा कर देख लो। हेलो, मानो शुजा, आज तुमने साबित कर दिया कि हालत जंग में तो टक्कर दे सकती हो तुम मुझे, लेकिन मोहब्बत के मैदान में हरा दूंगा तुम्हें।
भाई आपकी उम्र है कोई छुप छुप के चीजें देखने की? वैसे देख क्या रहे हैं? तुम्हारे कारनामे। मेरे कारनामे कौन से वाले? अच्छा तो एक से ज्यादा फतूहात सर अंजाम दिए तुम्हें। क्या हो गया भाई, ऐसी जालिम नजरों से क्यों घूर रहे हैं? तशरीफ आबरी का टोकरा रखो मेरे पास। वो आई थिंक पड़ोसियों की यूएसबी गलती से हमारी तरफ आ गई है। हाँ गलती से वो फोटोग्राफर भी बता कर गया, स्पेशल रिक्वेस्ट की है मानो की तस्वीरों के लिए। नहीं नहीं वो तो मानो ने कहा था, मैंने तो बस मैसेज आगे पहुंचाया है। बेटे जो तुम मोहब्बत के झंडे लहरा रहे हो ना शन नूर पर, इसका अंजाम जानते हो तुम? कहाँ झंडे लहराने की बात हो रही है? लड़की देखो इसके लिए, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें कहीं लड़की दिखाने ले जाए। खबरदार, इस घर में लड़की सब मेरी पसंद से आएगी बस। हाँ तो भाई फिर बिस्मिल्लाह करें, अगर फराज भाई मान गए दूसरी शादी के लिए, रहना तो आपने है ना उसके साथ। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा खैर वो ना बिट्टू आपा की कॉल आई थी, पहुंच गई है, इतनी खुश लग रही थी। अच्छा जाना तो था ही उन्हें, तरीके से चली जाती। चाय पिए? हाँ अब्बा मियां जल्दी ठीक कर दे, मैं लेट हो रही हूँ। अरे भाई कर रहे ना, देख रही हो ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तुम्हारे सामने तो है। उफ़ ये भी आज ही होना था। अरे पता नहीं क्या खटारा रखा हुआ तुम्हारे बाप ने। मैं कैसे जाऊंगी? क्या हुआ अब्बा मियां? अरे सुनिया गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही भाई। अच्छा प्लीज तुम देख लो। रुके मैं देखता हूँ, यहाँ तो सबसेट लग रहा है। फिर क्या हुआ है? एक सेकंड। अब्बा मियां फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये गाड़ी ना पेट्रोल पे चलती है। तो हमने कब कहा कि पानी पे चलती है यार? हाँ तो पता है तो डलवा भी लेना पेट्रोल, टैंकी बिल्कुल जीरो है। ओह नो, अब मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? मैं छोड़ देता हूँ। अरे हाँ हाँ चली जाओ, अच्छा बच्चा है। ठीक है देखो रास्ते में दुश्मन के बच्चे के हाथ से टॉफी लेके मत खाना। हाँ और पहुँच के खैर खैरियत के खत लिख देना हमें। लिख लो ये सारी बातें कहीं भूल ना जाओ। अरे सोच क्या रही हो, अच्छा बच्चा है, खानदानी बच्चा है, लेकिन फिर भी लोकेशन ऑन रखना अपनी। पम्या कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जाओ जल्दी इससे पहले के अंदर वो तन्नो नाम का भगोला अंदर जो घूम रहा है वो यहाँ आ जाए, कयामत बर्पा कर। जाओ जाओ जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। क्या अब्बा मियां सुबह सुबह डरा रहे हैं आप, जा रहे हैं हम। हाथ हो गई है साबुनदानी की भी, अच्छी कमबख्त में ना चलती है ना कुछ। भाई देख लो आज तो तुम्हारे नाम की जैकेट भी पहनी दिया। शट अप। बैठो। भाई मानता मैंने गलत हरकत की। क्या करता, प्रोजेक्ट था मेरा यहाँ। कुकू ये ट्रक की बत्ती के पीछे किसी और को लगाना, सच सच बताओ किसके चक्कर में भागे हो यहाँ से? सच्ची बात तो ये है भाई, जो तूफान आप पिछले 25 साल से झेल रहे हैं अब वो तूफान जोर और शोर के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा। तन्नो की बात कर रहे हो ना? 101% यकीन है मुझे, वलीमे के बाद बिट्टू को रख लेती वो। अब शादी के बाद जुदाई मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। लाख दी लाना ते कुकू तेरे चम्मन दे। हेलो हेलो बंद करे से खास कम जहां पाक खसमा नु खाए जाके। ब्लॉक कर दिया उसने। हाय ब्लॉक की जगह अगर हलाक का ऑप्शन होता ना मेरे पास तो आखिरी रसूमात हो रही होती इस कुकू की। तन्नो कैसी बातें कर रही भाई, ये तुम्हारा अब ना सिर्फ आपका बहनोई है, मैंने अपनी किताब में से ना इसका नाम हमेशा के लिए काट दिया है। अरे भाई तन्नो नाम काटने से ताल्लुक थोड़े खत्म हो जाता है। रहने दो शजी साहब, हो जाता है, ज्यादा उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। मज के बच्चे की तरह मैंने इसको पाला था, देसी खुराक के खिला के घ्यो दूध वगैरह मक्खन शक्कर और ये सिला दिया इसने मुझे। अरे अब्बा इतनी जल्दी छोड़ा है आप मानो यूनिवर्सिटी? खुद गई है वो। मियां तुमने जो साबुनदानी रखी हुई है ना उस पर एक चीज जलती है जिसे पेट्रोल कहते हैं, डला लिया करो कभी। खत्म हो गया अब्बा? नहीं अरे बहुत ज्यादा था, वो करीब वाले पेट्रोल पंप पे बेच आया हूं मैं। क्या बाप भी ये बाप, अब बमिया से बात करो।
उठा ले अब्बा भैया, जा रही हूं। कंफ्यूज क्यों हो रही हो? नहीं नहीं तो पहली दफा देख रही हूँ क्या? हाँ, इस स्टाइल में तो पहली बार ही देख रहा हूँ। किस स्टाइल में? अपने दिल से पूछो। मैं दिल से नहीं, दिमाग से सोचती हूँ। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। इसका मतलब क्या है? मोहब्बत का मतलब पूछोगी ना तो उलझ जाओगी। उलझाना चाहते हो मुझे? नहीं, सुलझाना चाहता हूँ तुम्हारी और अपनी जिंदगी। कहाँ? यहाँ रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में क्यों? क्यों, यहाँ सुलझाने में पाबंदी है क्या? हमारी क्लास है प्रोफेसर एलवी की। तुम ना आज सिर्फ प्रोफेसर अश्वन पे फोकस करो, प्रोफेसर एलवी को कल देख लेंगे। लेकिन कुछ नहीं होता, खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। चलो मेडिकल का लास्ट ईयर चल रहा है इसका, एकदम परफेक्ट है अपने असवी के लिए। हाँ मगर मेरी बात सुन, वो क्या हाउस जॉब भी करेगी? वो तो शादी के बाद कर लेगी ना चाची। हाँ पर देख ले तू निदा, सारी जिम्मेदारी तुझ पे है, घर तो तुझे ही संभालना होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सच बताऊं तो निदा, वो जो यतीम मिसकीन कुकड़ी है ना, वो मुझे बड़ी पसंद है। मुझे लगता है वो बड़ी जचेगी मेरे असू के साथ। कौन सी कुकड़ी? वो गौहर की कजन, क्या नाम है उसका? बबली। हाँ मिजाज की बड़ी अच्छी है। तुझे पता है कुकू की बारात पे ना मटन पुलाव में से सारी चर्बी वाली गोश्त की बोटियां लेकर आई थी, मेरे लिए स्वाद आ गया था। तो चाची आपको पुलाव पसंद आया या लड़की? होता गया खुएच, जाहिर सी बात है वो लड़की। आप बताएं ना माँ जी, है बबली वो क्यूटी पाए कैसी लगेगी हमारे असफू के लिए? जहर। अच्छा भैया माँ छोड़, ये देखें ये लड़की कैसी रहेगी असवी के लिए। बेकार बिल्कुल। तो फिर कैसी लड़की चाहिए आपको अपने पोते के लिए? बता दूं, हौसला है तुम में, मान लोगे मेरी बात? माँ जी आपकी कोई गल दिल पे नहीं लेती, बल्कि मैं सारी बातें इग्नोर करती हूँ, आप फिक्र ना करें, दिल खोल कर बोले है, हम कोई कंजर्वेटिव है। मुझे तो असवी के लिए बस एक ही लड़की चाहिए। कौन भैया माँ कौन? मानो ओवर माई डेड बॉड। क्या क्या की गई है ये? कुछ नहीं भी अम्मा। हाँ बिट्टू, तुझे शर्म तो नहीं आई इस तरह से मुंह अंधेरे घर से भागते हुए? हाँ हाँ पता है तुम्हारा शौहर है। मेरे लिए तो आप एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर लें मानूर। मेरे लिए भी यही कर दो प्लीज। थैंक यू। अरे रिलैक्स हो जाओ, कुकू मामू की तरह भगा के नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें। मैं भागने वालों में से हूं भी नहीं। एग्जैक्टली, ऐसी बहादुर लड़की चल सकती है हमारे खानदान में? खानदान वालों को बीच में मत लाओ प्लीज। चलो ये भी ठीक है, नहीं लाता। मुझे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई और हो। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही।
समझ में नहीं आ रही या समझना चाहती नहीं हो? जानबूझ के अनजान बन रही हो ना? कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा ये स्टाइल भी मंजूर है। प्लीज चेंज द टॉपिक। चलो चेंज कर लेते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। थैंक यू। तुम्हें याद है जब हम यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कर रहे थे, बिट्टू आपा ने तुम्हें एक ड्रेस दिया था? हाँ, तो वो मेरी तरफ से था। तुमने दिया था? उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। अब खैर भी लग रही हो। चलो छोड़ो, ये बताओ तुमने कुछ सोचा आगे क्या करना है? मुझे नहीं पता। अरे तुम क्या हो गया, तुम खड़ी क्यों हो गई हो? मुझे लगता है ये सब कुछ गलत हो रहा है, स्वीट ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा मानूर? हम यहाँ आए इसलिए हैं ताकि खुल के बात कर सकें, डिस्कस कर सकें कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है। हम दोनों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो सकती है, मुझे नहीं। मैं ये सब नहीं कर सकती मानूर। ये क्या कर रही हूँ मैं? अम्मी अबू तो जान से मार देंगे मुझे। नूर, नूर आई एम सॉरी, क्या कर रही हो यार, गाड़ी में बैठो। सुनो, खुद से भाग रही हो या मुझसे? दोनों से। ठीक है, भाग लो जितना भागना है। आना तो तुमने मुड़ के मेरे पास ही है ना। बहुत जोर में तुम्हें खुद पर? नहीं, भरोसा है अपनी मोहब्बत पर। देखो यार, ये सब हम दोनों के लिए नया है। अगर तुम नर्वस हो तो नर्वस तो मैं भी हूं, तो मिलके होते हैं ना नर्वस। मैं अम्मी अबू का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। मैं कुछ टूटने नहीं दूंगा, यकीन करो मुझ पे। नहीं कर सकती। आओ। अरे आओ। देखा, मुझे छोड़कर चार कदम नहीं चल सकी अकेले। जान छोड़ो मेरी। तुम्हारी जान छोड़ दी तो मेरी खुद की जान निकल जाएगी। ये सस्ते किस्म के डायलॉग्स मुझसे मत बोलो। तुमने जो कहना है कह दो, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। हाँ अलबत्ता तुम सड़क पे नंगे पैर चलते हुए बुरी तो लगोगी। ये ठीक करवा के दूँ मुझे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। अरे रुको। आओ। इश्क के इलाके में हुक्म यार चलता है, जाब्ते नहीं चलते। इसलिए इजाजत है मैम। Shut up. Thank you. ये क्या पढ़ी हो? ये तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। मेरे जूते कब आएंगे? आ जाएंगे, टेंशन ना लो। फिर हमने आज एक भी क्लास नहीं ली है। अब क्लासेस में कहाँ ध्यान लगेगा हमारा? हमारा? ये हर बात पे हम क्यों आ जाता है? क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा लगने की बात नहीं है। फिर क्या बात है? अजीब सा लग रहा है।
कोई बात नहीं, दो चार दिन में यूज्ड टू हो जाओगी। जी असलम भाई, हो गया काम? नहीं नहीं, बाकी पैसे आप रखें। ये ले सिंड्रेला मैडम, आपकी चप्पलें। थैंक यू। अब चले क्या हम क्लास में? अब नहीं नहीं, आज सिर्फ मैं और तुम, हाँ कल से बकायदा क्लासेस लेंगे हम, आई प्रॉमिस। फिर हम, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। अल्लाह, शेर भी अपने मतलब के यार हैं सारे। तुम कहोगी तो सब भुला दूंगा। ओ गॉड। कहाँ मर गए हैं दोनों पता नहीं। यार कहीं चोंच फंसा कर बैठे होंगे। चोंच फंसा कर तो बैठे हैं, लेकिन बहुत सुकून भी लग रहे दोनों। बेफिक्र रहो, यहाँ पर पानीपत का मैदान ना सजना, मेरा नाम बदल देना। चलो, चलो देखते हैं। कहाँ गए वो सुबह से तुम दोनों? हम वहाँ हैं जहाँ हमें किसी की खबर नहीं। या अल्लाह, खैर ये कुछ बदले बदले आसार नहीं लग रहे। सर अलवी ने हमारा पूछा तो नहीं? उन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन तुम दोनों के बीच में बड़ा सुकून.com चल रहा है। खैर छोड़ो, आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब नहीं नहीं मानो, तुम मत खाना, हाँ तुम्हारा गला फौरन खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम दोनों ठीक तो? जी मुझे कॉफी पीनी है। हाँ सुनो, क्लब सैंडविच भी ले आऊं? तुमने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है ना? यार अगर तुम दोनों के दिमाग पर कोई चोट लग गई हो तो मैं कुछ याद करा देता हूँ। क्या? यही कि जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, और इसी कैंपस में कई अजीम जंगें देखी हैं इन गुनाहगार आंखों ने, और एक दूसरे की शक्ल तक तो देखना गवारा नहीं समझते थे, और यही यूनिवर्सिटी के लॉन में एक दूसरे का मकबरा बनाने की कसम खाई थी तुम दोनों ने, याद करो। शाबाश, इतना भी नहीं लड़ते थे हम। हम बबली, जोर किस पर है? हम पर। शट अप, बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। यार कंफर्म दिमाग की डिस्क हिल गई है, या तो किसी वायरस ने याददाश्त पर हमला कर दिया। असफी यार तेरी तो हार्ट बीट भी तेज हो रही है यार। चलो नूर, इसकी जबान पर तो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। नूर? इसने मानो को नूर कहा? व्हाट इज दिस बिहेवियर असफी? एक लिटल लगाऊंगा तुझे, cuz you're asking for it, you're dying for it, get off my back, huh? चलो Seriously? मुझे लगता है दोनों में से कोई एक मरने वाला है, तभी एक दूसरे का इतना ख्याल रख रहे हैं लोग। यार चलो कैंटीन चलते हैं और दो गंदे कबाब वाले बर्गर खाते हैं, और फिर सोचते हैं कि व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। मुझे नहीं खाने गंदे कबाब, मैं डिफेंस की आवाम हूँ। चलो सुशी खाते हैं। बेटा जितना गलीज उतना लजीज। नूर, क्या हो गया? अरे तुम रो क्यों रही हो? उन कथाओं की बातों को दिल पे मत लो यार। तुम हर बात में दिल को क्यों बीच में ले आते हो? क्योंकि इस दिल ने ही तो बांधा है हम दोनों को एक डोर से। इसीलिए नफरत थी मुझे मोहब्बत से, ये इंसान को कमजोर करके बस रुलाती है। नूर मोहब्बत इंसान को तभी कमजोर करती है जब वो उसे भागने की कोशिश कर रहा। तो अब क्या करूं मैं? हथियार डाल दो मेरी तरह। मैं तो खुल के एतराफ करता हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, आदत हो गई है मुझे तुम्हारी। मैं ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसमें तुम ना हो। असली जब औरत सरेंडर करती है ना तो ये बात उसके लिए ताना बना देते हैं। वो मर्द ही क्या जिसकी मोहब्बत औरत के लिए ताना बन के रह जाए। तुम आजमा के तो देखो, तुम्हारी ढाल ना बनू ना तो क्या ना। अब मोहब्बत में केयर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, अनकंडीशनल मोहब्बत है मेरी, जब चाहो आजमा लेना, लेकिन बस शक मत करना मुझ पे। हाँ
देखो नूर, अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें परेशान कर रही है ना, तो खुलकर बता दो, हम दोबारा इस मौजू पे कभी बात नहीं करेंगे। देखो, तुम्हें पूरा हक है अपने बारे में कुछ और सोचने का। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर मैंने तो सुना था इजहार मोहब्बत के बाद इंसान की जिंदगी में सुकून आ जाता है। तुम्हारे तो चेहरे पे 12 बजे में है यार। अगर उन दोनों को पता चल गया वो हमारा बहुत रिकॉर्ड लगाएंगे। किन दोनों को? ये लट्टू और चुटकी? नहीं, गौहर और बबली। तुम उन दोनों को छोड़ो, फिलहाल चुटकी नेटवर्क की टेंशन लो, उसने देख लिया हम दोनों को एक साथ। चलो। आप दोनों कहाँ से आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी से। मानो खाला, आप मुझसे बात मत करो। चुटकी, ये कोई तरीका है अपनी खाला से बात करने का? चलो माफी मांगो। चाचू, आपने तो कहा था मानो खाला अच्छी नहीं है। वो तो बेटा, वो तो पुरानी बात है ना। फिर नई बात क्या है चाचू? नई बात ये है बेटा कि आप अपनी अम्मी को डॉज देके यहाँ बाहर आई है ना। आपको पता है कितना खतरनाक है बच्चों का अनसुपरवाइज गेट से बाहर निकलना? बताओ मामा को। प्लीज चाचू मत बताइएगा, वरना वो मुझसे खफा हो जाएंगे। चलो ठीक है, एक डील करते हैं फिर। मैं आपकी बात नहीं बताऊंगा, आप मेरी। डन डन। चलो जाओ, भागो। चलो मैं भी जाती हूँ। गिरफ्तारी के वारंट तो नहीं निकला है तुम्हारे? नहीं, डील कर ली थी मैंने बच्चों के साथ। हाँ, बच्चे काफी क्लोज हैं तुमसे, कभी मेरे साथ भी थे। सॉरी। क्यों, किस बात पर? बच्चों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने पर। बता दिया मैंने उन्हें। क्या? यही कि मानो खाला बुरी नहीं है, बस चाचू और उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। खुद ही ठीक हो जाएंगे वो। एक बात कहूं नूर? हाँ बोलो। तुम्हारा रोना बहुत तकलीफ देता है मुझे। नेक्स्ट टाइम जरूर सोचना, तुम खुद को नहीं मुझको अजियत दे रही हो। सॉरी। तुम सॉरी क्यों? मानो। हेलो। तो ताइयां में भी हर दफा बीच में आ जाती हैं। मानो, देखे तूने अपनी है सलीका बद सलीका के करतूत, तेरी जो चाची है, कारनामे देख लिए उसके? क्या हुआ? ये बद सलीका ऐसी चमकीली भड़कीली और जहरीली नागन निकलेगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं कहां कहां जाकर डंक मारती है ये। अब कहां डंक मार दिया उन्होंने? गौर के घर। वो कैसे? वो बबली का रिश्ता मांगा है उसने अपने उस डंगर असफी के लिए। आपको किसने बताया? काले चोर ने बताया मुझे। अम्मी, आई एम सीरियस। गौर के लिए सीरियस हो गई तू? अम्मी, हर वक्त की ठंडी कॉमेडी करना जरूरी नहीं होता। खबरदार, तूने मेरी कॉमेडी को ठंडी कॉमेडी का है? तेरे क्यों नथने फूल रहे हैं? जाहिर है अम्मी, सवाल गंदम और जवाब चना देंगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। मानो, मेरे साथ ये प्रेशर कुकर बनने की कोई लोड़ नहीं है, अच्छा? और ना ये नासे फुलाने की जरूरत है। गौर की अम्मी की कॉल आई थी मुझे, वही बातों बातों में बता रही थी कि खैर से दोनों बच्चों के नसीब एक ही घर में खुलने लगे। असफी को पता है इस बात का? ना पता ही होगा, तुझे तो पता है मानो, मैं लोगों की टोए नहीं लेती, अपने काम से काम रखती हूँ। है, और हमें क्या है, क्रिसमस खाए ठट्टे खो मजाए। क्या हुआ है तुझे? तेरी शक्ल पे क्यों 12 बज गए हैं? हैरत है, बबली ने भी मुझे नहीं बताया, हालांकि आज मिली थी यूनिवर्सिटी में मुझे। अरे पुत्र, ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े सियाने होते हैं, हमारी तरह के मासूम थोड़ी होते हैं। है? हमारा तो चंचड़ा नहीं होता, हमने पहले जाके मस्जिद में लान कर देते। हमारे तो घर की रूते हलाल कमेटी जड़ी है ना, वो भी बिकी हुई है। अच्छा चल छोड़ ना, आ जा, मैंने खाना बनाया है, मसर चावल बनाए हैं ऐसे जबरदस्त किस्म के, साथ में चार भी है, आ चल आके मेरे साथ खाना खा ले। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। ना ही तो ना सही, मैं ही जाके अपनी पोली पोली टोलती बजा लेती हूँ।